स्टडी चैनल के इतिहास के पन्नों में आज के तारीख एपिसोड में। गाइस आज है 22 जनवरी और आज हम जानने वाले हैं कि विश्व के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी। शुरुआत करेंगे हम 1673 से। आज ही के दिन अमेरिका के दो राज्यों के बीच में, अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच में पहली बार डाक सेवा शुरू की गई थी। आज ही के दिन 1666 में मुगल बादशाह शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच में, उनके चार पुत्र जिसमें औरंगजेब, दारा, सुजा और मुरार थे, उन सारे लोगों के बीच में उत्तराधिकार यानी सक्सेसर का युद्ध शुरू हो गया था। आज ही के दिन 1760 में अंग्रेजों ने वैंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था, फ्रांसीसियों को पराजित किया था और अपने उपनिवेश को बढ़ाया था। आज ही के दिन 1775 की अगर हम बात करें तो फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर, उनका जन्म हुआ था और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ बनाया और विद्युत की तीव्रता को मापने का एक यंत्र भी बनाया था। आज ही के दिन 1901 में यानी 1901 में ब्रिटेन की साम्राज्ञी जो थी विक्टोरिया, उनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद से एलिजाबेथ का टेन्योर आता है। आज ही के दिन 1963 में देहरादून में दृष्टिबाधित लोगों के लिए यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं, अंधे व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1963 में ही फ्रांस और जर्मनी ने एलईसी की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात कही थी। आज ही के दिन 1996 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो लोग थे, उन वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और उस रिसर्च में पाया कि पृथ्वी से लगभग 3.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रूफ हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, और इन्होंने बताया कि वहाँ से हमारे फ्यूचरिस्टिक्स को ज़्यादा दिखेंगे। ओके, आज ही के दिन 2014 में एक छोटे ग्रह जिसका नाम सेरेज है, उस पर जलवाष्प की यानी कि वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिला था और ये कहा गया कि यह इंटरनल सौर मंडल की अगर हम बात करें, आंतरिक सौर मंडल के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और एकमात्र बौना ग्रह है। ओके, ये थे विश्व की इंपॉर्टेंट घटनाएं। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस आज 22 जनवरी को लाइफ सेलिब्रेशन डे के लिए नाम से मनाया जाता है, डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लाइफ सेलिब्रेशन का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी लाइफ होती है, उसमें किस तरीके से आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, किस तरीके से जी रहे हो, उसका मेजरमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ओके गाइज, ये थे आज के एपिसोड। अब आपसे दो क्वेश्चन। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि भारत में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, और दूसरी चीज़ आप हमें ये बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, यानी जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।